किंतु जानते होगे देखो आप लोग के पास भी कोई ना कोई तो गन का स्किन होगा ही जो कि लेजेंडरी है, एंड आपको अक्सर आप लोग लेजेंडरी स्किन जो आपके पास है आप वही यूज करते होगे जिसके अंदर कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, लाइक डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल डैमेज वगैरह जो भी होता है आप उसको यूज करते होगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास उसका स्किन है तो आप लोग उसको यूज करते हो, ठीक है। लेकिन मारे सोचो उसका जो एट्रीब्यूट्स है जो कि सब लोग यूज करते हैं, सबके पास कोई ना कोई स्किन होता है, अगर उसको एट्रीब्यूट्स कोई अचानक से फ्री फायर ने उसको हटा दिया फिर क्या होगा आप लोग को पता है भाई। देखो यहाँ पे जो होने वाला है वो आप सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाने वाले हो, लाइक बिल्कुल क्या बोलूँ मैं आप लोग से बता नहीं सकता। जब कभी आप लोग किसी एनिमी से फाइट करते हो तो भाई लोग आपके साथ कभी ना कभी ये चीज़ हुआ होगा, कभी आपका पिंग हाई हो जाता है या फिर आपका फुल लैग हो जाता है, या फिर आप बोलते हो कि मैंने उसको हेड मारा बट उसको हेड लगा नहीं, उसका एचपी फुल का फुल ही रहता है, तो भाई लो ये चीज़ आपके साथ पक्का हुआ होगा। तो भाई लो आप लोग को पता है इसके पीछे का मिस्ट्री क्या है? तो भाई लो देखो जो भी बंदा मेरा भाई नया आया मेरे चैनल पर भाई लो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। एंड देखो गाइस कल मैंने लाइक टारगेट दिया था आप लोग को 50 का का, तो आप लोगों ने पूरा करा दिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच मेरे भाई लोग। तो गाइज देखो आज भी लाइक टारगेट है 60K का, आई होप आप लोग करा दोगे, तो प्लीज़ मेरे भाई कर दीजिएगा। एंड गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 8, देखो भाई अभी के समय पे आप लोग AR गन्स में कौन कौन सी गन चलाते हो, कोई स्कार चलाते हो, कोई AK चलाता होगा, एंड कितने लोग ड्रैगनो वर्ड पिकर वगैरह आप लोग ये सब चलाते होगे, ठीक है, जितने भी AR गन्स हैं। लेकिन भाई एक पार्टिकुलर समय पे सबसे ज़्यादा फेमस गन कौन सा था, मतलब कि एक समय पे सभी बंदे एक ही गन चलाते थे, पता आप लोग भाई वो गन कौन सी थी? वो गन का नाम है भाई XMate। एंड भाई देखो वो XMate जो था वो एक समय पे इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका था भाई, किसी OB अपडेट के उसको इतना ज्यादा ओपी कर दिया गया था, क्योंकि भाई लो देखो XMate को कोई भी यूज नहीं करता था उस अपडेट से पहले, मतलब लाइक कोई भी यूज नहीं करता था, ठीक है, ना ही मैं करता था ना ही आप करते हो, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं था। अगर उसको कोई पड़ा हुआ देखता था तो कहता था नहीं ये गन को नहीं चलाऊंगा मैं, भले मतलब मैं G18 चला लूंगा लेकिन इस गन को नहीं चलाऊंगा, पता नहीं क्यों, लेकिन उसका डैमेज वगैरह सब कम था इस वजह से उसको कोई भी यूज नहीं करता था। फिर फ्री फायर ने उसको इतना ज्यादा ओवर पावर कर दिया कि भाई लो उसको सभी लोग यूज करने लगे थे एक समय पर, ठीक है। फैक्ट नंबर 7, देखो भाई आप लोग जानते होंगे इवेंट पेज जो कि आप लोग गेम खोलते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, मतलब उसके अंदर इवेंट होता है, आप लोग उसको कट 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 करते हो या फिर जो इवेंट रहता है उसको चेक करते हो, इसको निकालते हो डायमंड से, ओके आप लोग यही काम करते हो या फिर कट करके गेम स्टार्ट करते हो। लेकिन भाई सोचो ये जो इवेंट है जो कि नया अपडेट होता है, इवेंट जो भी आता है कितने बजे आता है आप लोग को पता है? आप अभी आप सब सोचते होगे कि भाई लोग कि 12 बजे आता है, लेकिन नहीं मेरे भाई 12 बजे नहीं आता है, 12 बजे आते हैं बट कुछ इवेंट्स आते हैं, लेकिन भाई लोग ज़्यादातर इवेंट्स जो कि कपड़े लत्ते होते हैं या फिर कोई बड़े इवेंट्स रहते हैं वो आता है भाई लोग 4 बजे, एंड कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि आते हैं 12 बजे, ठीक है, लेकिन 4 बजे अधिकतर इवेंट्स आते रहते हैं। एंड बताना मेरे भाई आपको ये बात पता था कि नहीं पता था? फैक्ट नंबर 6, देखो भाई लो हमारे फ्री फायर में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन भाई लो उनमें से बहुत कम ही यूट्यूबर्स हैं जो कि अपनी अचीवमेंट से आगे बढ़े हैं। देखो भाई लो यहाँ पे अचीवमेंट्स है जैसे कि ले सकते हो भाई लोग, यहाँ पे नंबर 1 पे है नई मालन जो कि भाई लो MP40 किंग माना जाता था अपने समय पर, एंड ज्ञान सुजन भाई लोग हमारा फ्री फायर का फर्स्ट स्ट्रीमर है जो कि शुरू से लेकर अभी तक स्ट्रीम करता है, एंड सुदीप सरकार भाई लोग शुरू में M1014 जो कि शॉर्ट गेन का मान सकते हो भाई लोग किंग था, एंड अज्जू भाई लोग इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनके 25 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं एंड हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। एंड अगला है बोल्ट जो कि एक्शन बोल्ट है जो कि अपने समय पे भाई लोग रैंक पुशिंग करता था एंड टॉप 100 आई थिंक ये आता रहता था, इस वजह से इसका नाम यहाँ पे है। एंड TSG ऋतिक, देखो भाई लोग ये लोग 2019 में जब टूर्नामेंट को कोई भी नहीं जानता था तब TSG ऋतिक गया था और गए थे वहाँ पे खेलने, इस वजह से भाई लोग 2-Side गेमर्स का नाम हुआ था, एंड इस लिस्ट में उसका भी नाम है लेजेंड की लिस्ट में, ठीक है। एंड SK सबीर बॉस जो कि 13,000 प्लस पॉइंट के साथ ग्लोबल टॉप 1 पे थे, इस वजह से इस लिस्ट में SK सबीर बॉस का नाम है। एंड राकेश007, देखो भाई ये अपने समय का लेजेंड है एंड अभी भी है जो कि हेडशॉट किंग माना जाता था गाइस अपने समय पे, ये बहुत ही ज़्यादा OP हेडशॉट मानता था, इस वजह से इस लिस्ट में इसका भी नाम है। एंड भाई लो देखो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो मेरे भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मुझे पता है आप लोग कर चुके हो, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना मेरे भाई। एंड लाइक नहीं किया तो भाई यार देखो 60 का कराना है, मेरे को नहीं पता, लाइक ठोक दो उसको, ठीक है। एंड देखो मैं लाइव आ जाऊंगा यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकंड चैनल पे लाइव आऊंगा अभी कुछ देर में, तो आप लोग जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड आओ यार साथ में खेलते हैं मेरे भाई लोग, क्योंकि बहुत ही कम लोग रहते हैं तो मज़ा नहीं आता है, आप सब लोग आओ भाई लोग साथ में खेलते हैं, सब्सक्राइब यहाँ से कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है।
फैक्ट नंबर 5, आप लोग कैली के एक्टर जानते होंगे, कैली इलाइट आता है एंड सिंपल कैली रहता है। लेकिन अगर आप लोग इलाइट कैली यूज कर रहे हो तो आपका जो फायर बटन है वो फायर कलर में ऑन ऑफ होगा, आप लोग को ये बात पता होगा। लेकिन भाई लोग अगर मैं आप लोग से बोलूँ, अगर आप लोग अगर बॉडी शॉट भी अगर वो फायर हो रहा है और आप लोग तुरंत किसी को ही बॉडी शॉट मारते हो तो वो रेड नंबर का लगेगा। लाइक जैसे आप हेड शॉट मारते हो, अगर आप बॉडी मारोगे तो भी वो रेड ही नंबर का रहेगा। लेकिन भाई लोग देखो, इसके लिए एक कंडीशन है, आप लोग अगर आप लोग जाते हो अपने सेटिंग में, वहाँ पर भाई लोग आपका डैमेज जो इंडिकेटर होता है वहाँ पर एक क्लासिक होता है एक न्यू होता है। तो भाई अगर आपका क्लासिक में रहेगा तो ही आपको वो रेड नंबर लगेगा, वरना नहीं लगेगा। आप लोग बताना भाई लोग, आपको ये बात पता था कि नहीं पता था। फैक्ट नंबर 4, देखो भाई लोग अगर आप लोग गेम के अंदर जाते हो वहाँ पे इमोट सेक्शन खोलते हो तो भाई लोग इमोट में जाके अगर आप लोग कोई सा भी इमोट चेक करो, कोई सा भी इमोट देखोगे तो वहाँ पे नीचे की साइड डैब वाला इमोट बना हुआ है, मतलब छोटा सा ही आप लोग देखो वहाँ पे, मतलब बना हुआ है वो डैब वाला इमोट। अगर आप लोग कोई सा भी इमोट आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको डैब वाला इमोट देखने को मिलेगा। वो क्यों मिलता है आप लोगों को पता है? इसके पीछे कुछ ज़्यादा ही बड़ा तो मिस्ट्री नहीं है, बट भाई लोग देखो, जब हमारा फ्री फायर का फर्स्ट इमोट्स आए थे ओके, क्योंकि भाई लोग जो आए थे 6 इमोट, एंड उस समय जाए 6 इमोट में से सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला डैब इमोट था, एंड इसी वजह से ये शायद यहाँ पे लगा हुआ है डैब इमोट। फैक्ट नंबर 3, हमारा जो थ्रोन इमोट है भाई लोग, वो थ्रोन इमोट है जब आया था उससे पहले पूरे फ्री फायर में, मतलब कि वो थ्रोन इमोट हर जगह लग चुका था ताकि सब लोग उसको देख सके वो कैसा होने वाला है एंड वो किस तरह उसके ऊपर बैठ भी सकते थे सब लोग। एंड भाई लोग थ्रोन इमोट एक ऐसा इमोट है जिसको लॉयल तरीके से, मतलब बोल सकते हो भाई लोग, हर जगह पहले दिखाया गया था फिर उसको लॉन्च किया गया था भाई लोग 300 डायमंड टॉपअप पे। एंड भाई लोग सोच सकते हो कितना सस्ता आया था, मतलब 300 डायमंड टॉपअप पे आपको थ्रोन इमोट मिला था। लाइक सीरियसली भाई, मतलब क्या, मतलब देख के बिल्कुल शौक हो गया था। और अभी के समय पे वो रेयर है, बट भाई लोग देखो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, आने वाले समय पे किसी काटने वाले इवेंट पे फिर से आ जाएगा, क्योंकि वो 2-3 बार आ चुका है ऑलरेडी एंड फिर से भी आ जाएगा, तो आप लोग फिर से ले सकते हो। ठीक है, मतलब लेने का मन हो तो ले लेना यार, वो सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है, अच्छा कर लो यार। फैक्ट नंबर 2, देखो भाई लोग ये चीज़ आपके साथ पक्का होता होगा, मुझे पूरा यकीन है भाई लोग, जब भी आप किसी एनिमी के पास जाते होगे या फिर आपका हाइपिंग हो जाता है या फिर आपका लैग हो जाता है या फिर आप लोग उसको मारते हो तो वो फेक डैमेज लगता है। लेकिन आप लोगों को पता है ऐसा क्यों होता है? कभी कभी आप लोग से एक भी किल नहीं होता है, मतलब आप बोलते हो कि किल क्यों नहीं हो रहा, मैं मार क्यों नहीं पा रहा हूँ, अपने आप ही को आप नोबड़ा समझ के आप लोग गेम ही नहीं खेलते हो, कहते हो मैं खेलूंगा ही नहीं, ऐसा जरूर होता होगा आपके साथ। आपका जो फ़ोन लैग होता है वो सामने वाले के डिवाइस के ऊपर ही रहता है, अगर उसका डिवाइस आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो आपका फ़ोन लैग होगा ही, डेफिनेटली कन्फर्म लैग होगा। ठीक है, एंड पिंग हाई की बात हुई तो भाई लोग देखो, अगर आपका नेट सही है तो अगर पिंग हाई होता है तो भाई लोग गईना का सर्वर का प्रॉब्लम है। लेकिन आप कभी किसी एनिमी को मार रहे हो तो आप उसको मार ही नहीं पा रहे हो, ये चीज़ आपके साथ लगातार हो रहा है, तो आप लोग भाई लोग लगातार गेम भी खेलोगे, मतलब जस्ट आप लोग अगर आप मर गए तो आप लोग बोलोगे मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, इस बार खेलूंगा, तो भाई लोग इससे आपका गेम में इंटरेस्ट बढ़ता है एंड आप लोग खेलते रहते हो। ठीक है, तो सामने वाला का गेम अच्छा जा रहा है मत भूलना भाई लोग, ठीक है, तो वो और भी खेलेगा, लेकिन आपका गेम अच्छा नहीं जा रहा तो आप लोग भी और भी खेलोगे, हाँ बहुत कम चांस है कि आप लोग गेम छोड़ के जाओगे। फैक्ट नंबर 1, अगर गन की स्किन में से एट्रीब्यूट्स अचानक से गेम से रिमूव कर दी गई तो सोचो भाई लोग कि फिर गेम में क्या होगा, मतलब कि हमारे इंडियन सर्वर में फिर क्या होगा। और भी सर्वर में एट्रीब्यूट्स है बट ब्राज़ील को छोड़कर, लेकिन भाई लोग ये बात याद रखना, हमारे इंडियन सर्वर को एट्रीब्यूट्स की आदत हो गई है। ठीक है, अगर एट्रीब्यूट्स ही गेम से हट जाएंगे तो आप लोग सोचो कि भाई ये क्या हो गया, मतलब मैं मार रहा हूँ उसको डैमेज ही नहीं पड़ रहा है या फिर उसको हेड ही नहीं लग रहा है, ऐसा होगा। आपके पास स्किन रहेगा बट एट्रीब्यूट्स नहीं रहेगा उस समय, तो भाई लोग आप लोग खेल ही नहीं सकते भाई, मतलब जिसको आदत हो गई है वो कभी भी नहीं खेल सकता, मानो या ना मानो भाई लोग, आप लोग के पास जिसके पास स्किन नहीं है वो आप लोग एकदम रियल गेम प्ले खेलते हो, क्योंकि जिसके पास एट्रीब्यूट्स है, जिसके पास स्किन है, वो भाई लोग रियल गेम प्ले नहीं है। लेकिन भाई लोग एक बात याद रखना, ये एट्रीब्यूट्स कभी नहीं जाने वाली है फ्री फायर से, क्योंकि देखो जो शुरू से दे दिया है अगर ये एट्रीब्यूट्स हटा देता है तो फ्री फायर वालों ने जो प्लेयर्स है उन्होंने बहुत पैसे लगाए हैं गन की स्किन के ऊपर, तो भाई लोग मतलब ऐसे तो नहीं जाने देगा ना फ्री फायर, तो इस वजह से उन्हें ये हटाएगा। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, ध्यान रखना।